तो आज की हमारी फर्स्ट सेरेमनी है विवाह समारोह। विवाह समारोह को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी मतलब विवाह समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है विदाई समारोह। विदाई समारोह शादी के दौरान जब लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर यानी कि अपने ससुराल जाती है तो उसे विदाई समारोह कहते हैं। वैसे विदाई समारोह जब हम स्कूल या कॉलेज को छोड़कर जाते हैं तब भी विदाई समारोह मनाया जाता है। वैसे विदाई समारोह को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेयरवेल सेरेमनी। फेयरवेल सेरेमनी मतलब विदाई समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है नामकरण समारोह। नामकरण समारोह में पैदा हुए बच्चे का नाम रखा जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेमिंग सेरेमनी। नेमिंग सेरेमनी मतलब नामकरण समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार बांटे जाते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अवार्ड सेरेमनी। अवार्ड सेरेमनी मतलब पुरस्कार वितरण समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसमें जो भी छात्र अच्छे नंबर लाकर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करता है उसे दीक्षांत समारोह दिया जाता है और दीक्षांत समारोह को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी मतलब दीक्षांत समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है गोद भराई समारोह। गोद भराई समारोह प्रेग्नेंट लेडी का होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेबी शावर सेरेमनी। बेबी शावर सेरेमनी मतलब गोद भराई समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है मुंडन समारोह। पैदा हुए बच्चे के जब पहली बार बाल काटे जाते हैं तो उसे हम मुंडन समारोह कहते हैं। मुंडन समारोह को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोनसर सेरेमनी। टोनसर सेरेमनी मतलब मुंडन समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है कान छिदवाने की रस्म या कान छिदवाने का समारोह। जब लड़कियां बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उस समय यह रस्म निभाई जाती है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर पियर्सिंग सेरेमनी। ईयर पियर्सिंग सेरेमनी मतलब कान छिदवाने की रस्म या कान छिदवाने का समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है सगाई समारोह। जब लड़का और लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं यानी अंगूठी पहनाते हैं तो उसे हम सगाई समारोह बोलते हैं और सगाई समारोह को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंगेजमेंट सेरेमनी। इंगेजमेंट सेरेमनी मतलब सगाई समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है जूते चुराई का समारोह। जूते चुराई का समारोह शादी के दौरान सालियों द्वारा किया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शूज स्टीलिंग सेरेमनी। शूज स्टीलिंग सेरेमनी मतलब जूते चुराई का समारोह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट सेरेमनी है सेवानिवृत्ति समारोह। जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर होता है और वह रिटायरमेंट हो जाता है तो उसे हम सेवानिवृत्ति समारोह बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिटायरमेंट सेरेमनी। रिटायरमेंट सेरेमनी मतलब सेवानिवृत्ति समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है ध्वजारोहण समारोह। ध्वजारोहण समारोह में झंडे को फहराया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी मतलब ध्वजारोहण समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है गृह प्रवेश समारोह। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो यह समारोह मनाया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी। हाउस वार्मिंग सेरेमनी मतलब गृह प्रवेश समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है शपथ ग्रहण समारोह। जब भी कोई व्यक्ति शपथ लेता है तो उसके लिए एक समारोह मनाया जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वीरिंग इन सेरेमनी। स्वीरिंग इन सेरेमनी मतलब
शपथ ग्रहण समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है शिलान्यास समारोह। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम कोई पुल बनवाते हैं या कोई हाईवे बनवाते हैं या कोई एयरपोर्ट बनवाते हैं, तो कुछ भी ऐसे नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम एक समारोह मनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी मतलब शिलान्यास समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है उद्घाटन समारोह। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हम उद्घाटन करते हैं, तो उद्घाटन समारोह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है समापन समारोह। जब भी किसी काम को हम ख़त्म करते हैं या अंत करते हैं तो उस समय भी एक समापन समारोह मनाया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी मतलब समापन समारोह। और ये भी हमारा एक प्रकार का समारोह होता है जिस पे जलती हुई अग्नि पर चलना होता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर वॉकिंग सेरेमनी। फायर वॉकिंग सेरेमनी। नेक्स्ट सेरेमनी है राज्याभिषेक समारोह। इस सेरेमनी में राजा या रानी को राज्याभिषेक किया जाता है ताकि वह राज्य या अपने देश को संभाल सके, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोनेशन सेरेमनी। कोरोनेशन सेरेमनी मतलब राज्याभिषेक समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है वृक्षारोपण समारोह। ये समारोह भी काफ़ी जगह पर मनाया जाता है, जिसमें नए पेड़ों को लगाया जाता है, और नए पेड़ों को लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्री प्लांटिंग सेरेमनी। ट्री प्लांटिंग सेरेमनी मतलब वृक्षारोपण समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है यौवन समारोह। जब भी लड़की बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में जाती है तो यह यौवन समारोह मनाया जाता है। यौवन समारोह साउथ इंडिया में मनाया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी सेरेमनी। प्यूबर्टी सेरेमनी मतलब यौवन समारोह। नेक्स्ट सेरेमनी है अंतिम संस्कार समारोह। जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह समारोह मनाया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल सेरेमनी। फ्यूनरल सेरेमनी मतलब अंतिम संस्कार समारोह।